हेलो एवरीवन, मैं ओन क्रिएशन से लता सक्सेना आप सभी व्यूअर्स का वेलकम करती हूँ। जैसा कि आप देख रहे हो कि आज हम यहाँ पे सीखेंगे रेडी टू यूज रंगोली। हम रंगोली, आप सभी जानते हो कि रंगोली जो है एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे फेस्टिवल का, जिससे कि हम अपने घर को डेकोरेट करते हैं। एंट्रेंस पे सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमारी रंगोली होती है। हर स्टेट में डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल्स में रंगोली को बनाया जाता है। कहीं कहीं पर हम इसको रंगोली के कलर सब मार्केट में बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाते हैं, उनसे बनाते हैं। बट होता ये है कि फेस्टिवल्स के टाइम पर हम इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि टाइम निकालना कभी कभी थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो यहाँ पर हम बनाएंगे ऐसी रंगोली जिसको कि हम फेस्टिवल से पहले ही रेडी करके और उस दिन जो है हम जल्द से जल्द अपनी रंगोली को फेस्टिवल वाले दिन बना सकें। रेडी टू यूज रंगोली बनाने के लिए जो हमें सामग्री चाहिए वो है एक हार्डबोर्ड या मोटा चार्ट पेपर, जिसके ऊपर हम डिजाइन को ड्रॉ करके बनाएंगे। कलर करने के लिए फैब्रिक के कलर, ब्रशेस, फ्लैट ब्रश एंड राउंड ब्रश, ड्रॉ करने के लिए पेंसिल, स्केल, फेविकॉल, मार्बल डस्ट, या अगर आपके पास मार्बल डस्ट नहीं है तो हम चावल का पाउडर भी इसमें यूज कर सकते हैं, या सूजी भी हम यूज कर सकते हैं, सीजर। और डेकोरेशन के लिए कुछ हमने यहाँ पे शीशे लिए हैं, शीशे, कुंदन, स्टोन, ये डेकोरेशन के लिए हम सामान को यूज करेंगे। हार्डबोर्ड अगर आपके पास नहीं है तो आप दफ्ती का भी यूज कर सकते हो, और एक बड़ा चार्ट पेपर हम यूज करेंगे। लेट्स स्टार्ट। चार्ट पेपर के ऊपर हम डिजाइन को ड्रॉ कर लेंगे। एक पैटर्न हमने ये रेडी कर लिया, इसकी हम पोटलीज को रेडी कर लेंगे। अब स्वास्तिक बनाने के लिए हम यहाँ पर स्केल की हेल्प से दो दो इंच के डिफरेंसेस पे डॉट्स लगाएंगे। चार डॉट हमने, एक स्क्वायर हम बनाएंगे। दो डॉट के बीच की डिस्टेंस जो है वो 2 इंच है। इस स्क्वायर को बनाने के बाद इसे हम क्रॉस मार्क करेंगे। डॉट के ऊपर भी 2 इंच के डिफरेंस पे दो डॉट और बनाएंगे। इस तरह से आप देख रहे हैं कि हमने जो है पहले एक स्क्वायर बनाया और उसके बाद क्रॉस किया। क्रॉस करने के बाद हम फर्स्ट पैटर्न की हम जैसे हमने पहले बनाया था उसी तरह से हम इसके 3 और पीस बना लेंगे, यानी टोटल हम 4 पीसेस को रेडी कर लेंगे।
हमारी डिजाइन रेडी है। इसमें हमने एक ये डिजाइन बनाई थी, इसके हमने इस तरह से तीन पीसेस बनाए, हमने टोटल फोर पीस बनाए और बीच में एक बड़ा स्वास्तिक बनाया है। इसे अब हम कलर करेंगे और इन टोटल फाइव पीसेस को अलग अलग कट कर लेंगे। कलर करने के लिए सबसे पहले ये स्वास्तिक जो हमने बनाया हुआ है, इसकी जो ये लाइंस हैं, इसको हम लोग थोड़ा सा मोटा कर लेंगे ताकि जब हम कलर करें तो हमें इसका पार्टीशन इक्वल दिखाई दे। इसको आउटलाइनिंग करके डार्क कर लेंगे ताकि हमें ये प्रॉपर दिखाई दे। अब हम इसे कलर करेंगे। कलर करने के लिए फैब्रिक कलर या हम पोस्टर कलर कोई भी यूज कर सकते हैं और शेड हमने लिया है ऑरेंज एंड येलो। जो स्वास्तिक है वो मेन स्वास्तिक को ऑरेंज कलर से करेंगे। इस तरह से ऑरेंज कलर जो है स्वास्तिक के बीच में पूरा कंप्लीट कर लेंगे। और ये जो हमारा ट्रायंगल है इसमें अब हम येलो कलर यूज करेंगे। चारों ट्रायंगल में येलो कलर से इसे कंप्लीट कर लेंगे। ऐसे ये हमारे हो गए। जब तक ये कलर सीख रहे हैं तब तक अब हम ये फोर डिजाइन हैं इसको हम कलर करेंगे। नीचे ये लीफ है इसको हम ग्रीन कलर से कलर करेंगे। लीफ को ग्रीन करके ये ऊपर वाले फ्लावर को हम मैरून कलर से करेंगे। लीफ को ग्रीन करके ये ऊपर वाले फ्लावर को हम मैरून कलर से करेंगे। मैरून कलर जो है फ्लावर पे कर लेंगे। जिस तरह से हमने ये वन डिजाइन रेडी की है ग्रीन और मैरून कलर, उसी तरह से ये तीनों फ्लावर्स भी हम कलर करके और पांचों डिजाइन को कट करके निकाल लेंगे पीसेस में। इस तरह से हम सारे पीसेस को कट कर लेंगे। ये पूरे चार फ्लावर्स और एक स्वास्तिक। अब हम इनकी प्लेसमेंट करेंगे। इस स्वास्तिक को हम लोग इसे डेकोरेट कर लेंगे ये फेविकॉल से। इसको इसके सेंटर में एक मिरर लगा देंगे और यहाँ बीच से इसमें फिर हम इसको डेकोरेट करेंगे पूरा।
अच्छे से। इस प्रकार इसको हम रेडी कर लेंगे। अब हम इसे भी डेकोरेट कर लेंगे। जैसे हमने इसमें कुंदन और शीशा लगा करके इसको डेकोरेट किया है, वैसे जो मटेरियल हम इसमें यूज करेंगे वही हम इसमें भी यूज करेंगे। यहाँ बीच में मिरर दे करके फिर ये जो हमने कुंदन और ये स्टोन यूज किया हुआ है इसको इसके ऊपर लगा देंगे। इस प्रकार हम ये पांचों पीसेस को रेडी कर लेंगे। अब हम इनकी प्लेसमेंट करते हैं। इसमें क्या है कि आप फेस्टिवल के पहले ही इसको आप रेडी करके रख सकते हो और जब आपको जरूरत हो तो आप इसे रंगोली की तरह हम यूज कर सकते हैं। कई बार क्या होता है कि फेस्टिव सीजन के टाइम पर हम वो इतने ज्यादा बिजी हो जाते हैं कि चाह करके भी हम टाइम नहीं निकाल पाते हैं, या फिर कभी हम रंगोली के कलर्स लाना भूल गए, तो उस कंडीशन में हम ऑलरेडी पहले से रेडी करके इन पीसेस को रख सकते हैं और इनको हम डिफरेंट डिफरेंट स्टाइल से यूज कर सकते हैं। जैसे कभी आपने सिर्फ ये यूज कर लिया, आपके नहीं है तो आप ये मत यूज करिए ओनली, आपने ये यूज कर लिया, या फिर हम इसको इस तरह से भी प्लेस कर सकते हैं। इनका डायरेक्शन हम चेंज करके इनको हम यूज कर सकते हैं। डिफरेंट स्टाइल से हम दो तीन पैटर्न से कई डिफरेंट स्टाइल की रंगोली को हम बना सकते हैं। अपनी डिजाइन को पेस्ट करने के बाद हम व्हाइट कलर के रंगोली कलर से, अगर रंगोली कलर नहीं है आपके पास तो आप चावल का पाउडर भी यूज कर सकते हैं या फिर हम सूजी को भी यूज कर सकते हैं, इसकी आउटलाइनिंग को क्रिएट कर लेंगे। इस तरह आपने देखा कि हमने डिजाइन को पेस्ट किया। पेस्टिंग के लिए हम डबल साइडेड टेप का भी यूज कर सकते हैं और नॉर्मल टेप का भी हम सर टेप का यूज कर सकते हैं। उसके बाद हम आउटलाइनिंग के लिए हमने ये यहाँ पर मार्बल डस्ट, जो कि मार्केट में बहुत इजीली अवेलेबल हो जाता है, उसका यूज किया। अगर आपके पास ये नहीं है तो आप चावल का पाउडर भी आप इसका यूज कर सकते हैं। और जब आप फेस्टिवल के नेक्स्ट डे जब आपको इसे हटानी है तो आप धीरे से इसको हटा करके आप इसको फिर से सेव करके रख सकते हैं और नेक्स्ट ओकेजन पे फिर डिफरेंट प्लेसमेंट के द्वारा आप अपनी दोबारा फिर से रंगोली इंस्टेंट रेडी कर सकते हैं। थैंक यू।